ये गर्व से कहती हैं अपने आप को मिसेस दिलीप कुमार जी। नसीम बानो की सुपुत्री, नाम सायरा बानो। कोई फूल न खिलता ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती अगर तू न होती। जन्म 23 अगस्त सन 1944 में हुआ। सायरा बानो जी की माताजी सन 1930 और 1940 के दशक की मशहूर और मारूफ हीरोइन रहीं और पिता मियां एहसान उल हक एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जिन्होंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फूल बनाई थी और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में वादा। सायरा जी जब बहुत छोटी थीं तब इनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे, यही वजह रही कि अपना बचपन सायरा बानो ने लंदन में बिताया। स्कूल के दिनों से ही सायरा बानो की दिलचस्पी एक्टिंग में हो गई थी और ये स्कूल ड्रामास में पार्टिसिपेट किया करती थीं। सायरा जी के मन की दो ही इच्छाएं थीं, एक तो वो अपनी माँ नसीम बानो की तरह बड़ी एक्ट्रेस बने और दूसरी ये कि इनकी शादी दिलीप कुमार साहब से हो जाए। आप उनके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, I'm something more, much, much more. I'm his fan. सन 1960 में सायरा बानो लंदन से हिंदुस्तान आ गईं और इन्हें ऑडिशन किया गया फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए, पर चूंकि सायरा जी बहुत छोटी थी तो इन्हें दूसरी हीरोइन का रोल दिया जा रहा था जिस रोल से सायरा बानो ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं करूंगी तो मेन हीरोइन का ही रोल करूंगी। और सन 1961 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने दीवानगी और जंगलीपन की एक ऐसी मिसाल रखी कि आज तक वो सबके दिलों में घर करे हुए है। ये फिल्म थी जंगली। इस फिल्म में शम्मी कपूर की हीरोइन बनी सायरा बानो। देख यार, हमने तेरी जान बचाई, अब इस जान की फिक्र करो ना। कोई खतरा है तुम्हारी जान को? हाय हाय हाय, एक दुश्मन ने जान को अपनी जान बना लिया है। चुपके चुपके। ये किस्सा मशहूर है कि एक गाने की शूटिंग के दौरान सायरा बानो बहुत परेशान हो गईं, इस कदर परेशान हुई कि इनके आंसू निकल आए, जिसे देख शम्मी कपूर साहब ने टिप्पणी की थी कि अगर काम करना है तो ठीक से करें, नहीं तो अपने घर पे बैठें। इस बात से गुस्सा होकर सायरा बानो ने अपनी कमर कस ली और फिर जंगली फिल्म में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इस दुनिया में और अगर इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है, उसकी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होने का इनाम मुझको मिला है। इस बीच सायरा बानो ये कोशिश भी करती रहीं कि उन्हें दिलीप कुमार साहब के साथ कुछ फिल्में मिलें, पर दिलीप साहब और सायरा जी की उम्र में तकरीबन 22 साल का फर्क है और दिलीप साहब हमेशा यही सोचते कि सायरा तो बच्ची है, इसके साथ मैं क्या फिल्म करूं। राम और श्याम में भी उन्होंने मुमताज को हीरोइन बनाया और सायरा बानो को छोड़ दिया। इस बात से सायरा जी खफा हुईं और दिलीप साहब से कहा भी कि मुझे आप अपनी हीरोइन क्यों नहीं बनाते। दिलीप साहब ने साफ जवाब दिया कि तुम तो अभी बच्ची हो। सायरा जी ने उस रिजेक्शन का एक अनोखे तरीके से बदला लिया और वो बदला यूं कि दिलीप कुमार साहब से सायरा जी ने शादी कर ली। दिलीप साहब और सायरा बानो के कोई बच्चे नहीं हैं। सायरा जी की ये तमन्ना भी पूरी हुई कि वो दिलीप कुमार की हीरोइन बने और ये फिल्म्स रहीं गोपी, सगीना और बैराग। एक शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने सायरा बानो को ऐसा डांटा कि इन्हें वक्त की पाबंदी की समझ आ गई। हुआ यूं कि दिलीप साहब इंतजार कर रहे थे कि कब सायरा बानो तैयार हों और सेट्स पर पहुंचें। इंतजार करते करते बहुत वक्त बीत गया और जब सायरा बानो वहां आई तो दिलीप साहब ने सिर्फ इतना कहा कि क्या आप लोग ताजमहल बना रहे थे, और कहा बैकअप यानी शूटिंग की छुट्टी। सब आपस में मिलकर और अपने काम को अपना धर्म समझकर करें तो कल हमारा देश भी दुनिया के सारे मुल्कों के आगे अपना सर ऊंचा करके खड़ा हो सकेगा, और इस बात पर मेरा पूरा विश्वास है प्रिंसिपल साहब। इतना सुनते ही सायरा बानो फपक फपक के रोने लगी और उसके बाद वो कभी भी शूटिंग के लिए लेट नहीं हुई। सायरा जी का काम पड़ोसन में भी बहुत पसंद किया गया, साथ ही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चैताली में सायरा जी कमाल की हीरोइन रहीं। इन्होंने बतौर शम्मी कपूर की हीरोइन शुरुआत की थी और एक वो वक्त भी आया जब शम्मी कपूर इनके पिता का रोल निभा रहे थे और अमिताभ बच्चन इनके हीरो का। ये फिल्म थी जमीर।
सन 1976 के आते आते सायरा बानो ने फिल्मों से किनारा कर लिया। ये बात भी मशहूर है कि देवानंद साहब फिल्म जूल थीफ में सायरा बानो से ही काम करवाना चाहते थे, पर इसी बीच सायरा जी और दिलीप साहब की शादी हुई और फिल्म जूल थीफ में आ गई वैजयंती माला। सन 1984 में ये दिलीप साहब के साथ आई फिल्म दुनिया में नजर आई और इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म रही फैसला, जो सन 1988 में रिलीज हुई थी। सायरा बानो ने अपनी कला में निखार लाने के लिए डांस की ट्रेनिंग भी ली और ये निखार उनकी कई फिल्म्स में नजर भी आया। चाहे वो दिलीप साहब हो, जॉय मुखर्जी हो, अमिताभ बच्चन हो, सुनील दत्त हो या फिर धर्मेंद्र। सायरा बानो को इस बात का इत्मीनान है कि उनकी दोनों ही इच्छाएं पूरी हुई कि वो हीरोइन बनी और बनी मिसेस दिलीप कुमार। सायरा बानो का नाम भारतीय सिनेमा में हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।